कबीरधाम जिले में लगातार यूरिया खाद की कमी के चलते किसान परेशान हो चुके हैं। किसान अपने खेतों में खाद नहीं डाल पा रहे हैं, लगातार सोसाइटी और दुकानों के चक्कर काट रहे हैं। किसान परेशानियों से त्रस्त हो चुके हैं, बावजूद इसके अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि खाद की कमी है तो दुकानों में खाद कहाँ से आया। कहीं ना कहीं खाद की कालाबाजारी भी देखने को मिल रही है, जिससे क्षेत्र के किसानों में आक्रोश है। भारतीय किसान संघ का एक दिवसीय देशव्यापी आंदोलन था। इस आंदोलन में पूरे देश भर के किसान अपने जिला मुख्यालय में जुटे हुए थे और मुख्य मांग जो था वो केंद्र सरकार से लागत के आधार पर फसल का लाभकारी मूल्य पाना। दूसरा जो क्षेत्रीय विषय था वो सुतिया पाट नहर विस्तार अभी तक नहीं हो पा रहा है, इसके लिए हमने शासन से मांग रखी है। साथ में खाद की कमी जो सभी सोसाइटियों में बनी हुई है उस कमी को सरकार तुरंत दूर करे, और बिजली विभाग और राजस्व विभाग के दोनों ही विभाग भ्रष्टता की चरम पर पहुंच गए हैं। लोहारा तहसील और लोहारा के जो बिजली विभाग है वहाँ इतना ज़्यादा वसूली का धंधा चल रहा है कि किसानों के छोटे से छोटे काम करने के लिए उनको उनसे पैसे लिया जाता है। इसके बारे में नया तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया गया है। कलेक्टर से मोर धान सूख गए भैया, सोसाइटी में खातू नहीं मिल पाते, अब इसी स्थिति हमारा धान सूखे, जमीन भी सूखा हो गए, पानी भी भगवान वर्षा नहीं कर रहा है, यही तकलीफ है। तो सोसाइटी में जाकर पूछे हैं पूछे भाई खातू आज नहीं की दिस। तो टानिक ले दे दी सुखान दुकान वाले दुखान ला महाकाय बात कुछ क्या करे साहब। हम लोग को शासन न खातू दे, कहीं सोसाइटी में दुकान जाथन तो 600-700 रुपए देते, बार दाना नहीं मिला है, बेचे दिन में धान के लिए परेशानी करता है, ऐसे सरकार बने हैं, हमें बहुत मुसीबत हो रहा है। यूरिया मिलत नहीं है भैया, वही एक खेत के कारण परेशान हो गए हमन। हाँ कहीं भी जात हन ना यूरिया मिलते नहीं है, और मार्केट उर्केट में 600-700 रुपये बताते, और गरीब आदमी कहाँ ले डरबो, और देखना धान ला। सोसाइटी में मिलती कम मिलती से खातू मन सोसाइटी में वही 300 लगभग मिलती। तो सोसाइटी में जाकर पूछे पूछे भैया, सोसाइटी में अभी टोकन नहीं करते थे बोली।